ये मंत्री दुनिया होती है, लेकिन एक अच्छे इंसान और एक्शन और रिएक्शन तुरंत करना, वो हमारे खेल मंत्री अनिल विज जी से सीखा है। मतलब सीखने को मिला है, देखने को मिला है, पब्लिकली दुनिया देखती है कि, और मैंने तो तुरंत एक्शन रिएक्शन सर का देखा है। जब फोन में था तो घर की बिजली कटी तो सर ने मेल पे ही तुरंत एक्शन किया तभी तो। और वैसे ही खेल में भी इनका बहुत एक्शन रहा है। पहली बार इन्होंने खिलाड़ियों को अपने साथ बिठाया और खेल के बारे में चर्चा की और खेल के लिए सुझाव लिए खिलाड़ियों के। और आज मैं इसीलिए खेलों के विकास के लिए मंत्री जी से मिलने आया था और इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई और मंत्री जी हमारे साथ साथ सभी खिलाड़ियों को मिलकर उनसे खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। और हमें खुशी है क्योंकि हमारे खेल मंत्री जी ने रियो में पर्सनली सभी खिलाड़ियों से मिले और सबकी हौसला बजाई की। मेरी मेल आई और उसी समय सबकी वापसी मेल आ गई। व्यक्तिगत रूप से फोन किया है वहाँ के डीसी को, एसपी को। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वहाँ गए, सबको 15-15 लाख रुपए दिए। देखो उसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसने घर से बेटे को निकाला, तैयार किया। ये खेल की आगे बेहतरी के लिए चर्चा कर रहे हैं। वहाँ रियो में भी काफ़ी चर्चा हुई थी और आज ये और इनके कोच साहब जो इनके भाई भी हैं दोनों आए हैं, काफ़ी इन्होंने सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करेंगे और गेमों में और बेहतरी हो उसके लिए प्रयास करेंगे और लोगों से भी चर्चा करेंगे, सभी से करेंगे। नहीं, उसके लिए हम करेंगे। मैंने एक कमेटी बना रखी है कि जिनके साथ भी हुड्डा सरकार में भेदभाव हुआ है, हम उस भेदभाव को दूर करेंगे। देखिए ऐसा है, इस साल मैंने 100 करोड़ रुपया बतौर प्राइज मनी खिलाड़ियों को दिया है, जितनों को भी रुके हुए थे। और पिछली सरकार तो वैसे ही चली गई थी, हमने साक्षी कल जीतकर हिंदुस्तान पहुंची है और उसका 2.5 करोड़ रुपया हमने कल ही दे दिया। पिछली बार खिलाड़ी कई कई महीने चक्कर लगाते रहे तो सबके दे दिए। फिर भी अगर किसी का कोई रहता है, कोई टेक्निकल कारण हो सकता है, तो मनोज भी कहते हैं कि इनका रहता है कोई, उसका मैं तुरंत इसी हफ्ते में उसका फैसला करूँगा। देखिए खेलों के सुधार के लिए नर्सरियों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जाने से पहले ही मैं अखबारों में विज्ञापन दे गया था कि हर ज़िले में हम 20 नर्सरियां खोलेंगे, स्कूलों को देंगे और हर खिलाड़ी को 1500 रुपये महीना स्टाइफंड देंगे, स्कूल को कोच की तनख्वाह देंगे और इक्विपमेंट के लिए 1.25 लाख रुपये देंगे। काफ़ी स्कूलों से उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारी कोशिश है कि सारे हरियाणा में लगभग 425 नर्सरियाँ खुल जाएं और अगर ये नर्सरियाँ फंक्शन करना शुरू कर देंगी, समय तो लगेगा लेकिन आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए, खेलों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है
आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है खेल मंत्री जी के साथ। अभी आपने देखा होगा पीछे खेल मंत्री जी और उनकी टीम रियो में हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए रियो में थे, तो वहाँ पर हमारे जो खेल मंत्री जी है प्रत्येक खिलाड़ी से मिले और प्रत्येक खिलाड़ी से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना और हम इन फ्यूचर हरियाणा में कैसे खेलों का विकास कर सकते हैं, इसी के लिए आज मैं और मनोज भाई दोनों खेल मंत्री से चर्चा करने के लिए आए थे। और मनोज भाई ने खेल मंत्री जी को बोला भी है कि सर आप हरियाणा में हरियाणा को खेल हब बनाने के लिए मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाओगे मैं वो निभाने के लिए तैयार हूँ। और मनोज भाई ने जैसे बताया कि पहली बार खेल मंत्री ऐसे खेल मंत्री जी हैं जो मतलब कि जीतने वाले को हौसला अफजाई तो सब करते हैं, हारने वालों का भी हौसला अफजाई किया है और कहा कि आप हार से निराश ना हो, आप दोबारा से मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो, पूरी टीम खेल मंत्री जी और उनकी पूरी टीम और हरियाणा सरकार आप लोगों के साथ है और आप खेलों में अच्छा करो।